हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास तौर से डॉग लवर्स के लिए। वर्षा ऑलरेडी तैयार है जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं भी ऑलरेडी तैयार हूँ, निकलना है मैं थोड़ी देर में। और कल जो है जन्माष्टमी है, जैसा कि आपको सबको पता है, तो मम्मी ने भी कुछ सामान लिख के दिया है जो जन्माष्टमी के लिए घर पे लगेगा। मतलब कुछ पंजीरी वंजीरी बनाने का प्लान है इनका, तो उसका सामान थोड़ा सा लिख के दिया है इन्होंने, तो वो भी लाना है। और रिफाइंड भी ख़त्म हो रहा है ये बताया है, वो भी लाना है, चीनी भी लानी है, तो चार पांच सामान है, वो आते हुए लेके आएंगे। फिलहाल अभी निकलते हैं, जो अच्छी सी डेस्टिनेशन मैंने बताई उसके लिए निकलते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स को भी हमें पिक करना है रास्ते में से ना। भाई अभी का सीन ये है कि हम आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स के घर पे, और उनके एक बहुत प्यारा सा पपी है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने लिया है, लेबराडोर है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। वो दिख रहा है भाई, ये सो रहा। मैक, हे मैक, क्या कर रहे हो? नींद आ रही है आपको? मैक, क्यूटी क्यूटी ए क्यूटी। तो भाई देखा, अभी तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अभी चार पाँच दिन पहले जब आया था ना, बहुत छोटा सा था, खेल भी नहीं रहा था, बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है भाई, पिल्ले जो है ना वो डरते हैं थोड़े से, ठीक है। ये भाई बहनों के साथ रह रहे होते हैं अपने, और माँ के साथ रह रहे होते हैं, तो वहाँ से एकदम सडनली हम लेके आ जाते हैं जब, तो थोड़ा सा इनका मूड सा ना अलग सा रहता है, क्योंकि ये वहाँ पर खेल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं एडजस्ट होने में, बाकी है बहुत क्यूट। हे मैक, कम है, कम है। थोड़ा सा भी प्लान में चेंज हुआ है। हुआ क्या है कि हमने बाइक पार्क की है, और हमने प्लान किया है कि हम गाड़ी से जाएंगे, तो गाड़ी में वहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही क्यूट क्यूट। मैक भी थोड़ा खेल लेगा उनके साथ, और थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूँगा, क्योंकि मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। फॉरन बजाओ। ये देखो, मैक का फ्रेंड मिला है, मैक का फ्रेंड मिला गाड़ी में। बहुत ही प्यारा व्यू है, बाहर से भी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। दिस इज बाग स्ट्रीट, दिस इज बाग स्ट्रीट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन नोएडा फॉर डॉग्स लवर्स, फॉर द पेट लवर्स हु डू हैव देयर पेट। You can see how beautiful it is. It's Bagh Street in Noida. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। कितने प्यारे प्यारे से डॉग। वन मोर स्पेस हियर, ये ग्रूमिंग सेक्शन है बेसिकली, ठीक है। इधर भी डॉग्स की ग्रूमिंग होती है, और उधर उनके थोड़े से कपड़े वगैरह हैं, खाने पीने का सामान है इधर, बट इट्स वेरी नाइस प्लेस। मैं नोएडा में पहली बार ऐसा प्लेस देख रहा हूँ, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सी कितना प्यारा सा कलरिंग भी दिया है, बहुत प्यारी सी शेड भी है, ये वाइट के ऊपर ब्लू भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी डॉग्स के लिए है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ फॉर डॉग बेसिकली। जो भी डॉग लवर हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा या आसपास के किसी भी इलाके में, दे कैन टेक देयर पेट्स हेयर, दे कैन विजिट हेयर, और बहुत ही फ्रेंडली सा माहौल है। सब डॉग्स ही इतने प्यारे होते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट लव। Come here. What is his name? Her name is Lazy. Lazy.
कम है। इधर आ जाओ बच्चा। कम है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। हाँ These are some dog languages. अगर किसी को learn करनी है तो they can learn it from here. Alert का दिया हुआ है और angry का भी दिया हुआ है, respect का भी दिया हुआ है. Golden retriever. Oscar, Oscar, good boy, good boy, Oscar. Few moments later. ये सब 90-90 के हैं। एक काम कर वर्षा, मम्मी से फोन करके पूछ ले एक बार कि कपड़े भी लाने का कान्हा जी के, और झूला तो खैर ले लेंगे हम, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी घर आ चुके हैं, नहा धो के फ्रेश फ्रेश होके हमने खाना भी खा लिया है। सामान कुछ भी नहीं ला पाए सिवाय कान्हा जी के झूले के और कान्हा जी के कपड़े के, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। मम्मा से जैसी बात हुई, मम्मा ने मना कर दिया सामान लाने के लिए। अब मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी सामान लेके आऊँगा कल, क्योंकि जन्माष्टमी है। इस ब्लॉग को एडिट भी करना था ताकि मैं रात को इसको अपलोड कर सकूँ, तो वो भी काम पेंडिंग था, तो इसलिए हमने यही उचित समझा कि हम कल सामान लेके आएँ अर्ली मॉर्निंग में। बाकी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर ये आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और, आने वाले कुछ दिनों में ट्रैवल सीरीज होने जा रही है, बहुत ही ऑसम ट्रैवल सीरीज आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।